जैसे कि हर मंथली की 21 तारीख को हर व्यक्ति का एडसेंस अमाउंट जो है आउट हो जाता है, और 25 से 26 तारीख को जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है पेमेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मेरा पेमेंट तो आया ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। सो एक्चुअली मैंने 27 मई को जो 27 मई को 21 मई को नहीं, 27 मई को मेरा जो पेमेंट आउट हुआ था एडसेंट अकाउंट से, ठीक है। लेकिन आज कम से कम आप दूसरे मंथ की 21 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो फर्स्ट मंथ की जो फर्स्ट पेमेंट थी अभी तक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है। अगर यही सेम मसला आपका भी, आपकी भी यही प्रॉब्लम है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब टीम से बात की तो उन्होंने मुझे पूरा ये डिटेल में समझाया हुआ है, जो आज मैं आपको शॉर्टकट में आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट में समझ में नहीं, यूट्यूब टीम ने जो मुझे लिंक दिया था समझने के लिए, पढ़ने के लिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पूरी जानकारी वहीं से आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में आपको मैं शॉर्टकट समझाऊंगा सिर्फ कि पेमेंट आपकी क्यों लेट आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स, क्या ग्रेड है, कितने दिन तक आने वाली है, सब मुझे यूट्यूब टीम ने मुझे बताया हुआ है। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, ठीक है। सो चलते हम आगे। सो एक्चुअली बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली पेमेंट इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपका आपका नया नया अकाउंट ज्वाइन ज्वाइन करते हो, फर्स्ट पेमेंट रहता है, फर्स्ट पेमेंट में ही एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। सो एक्चुअली दोस्तों 21 तारीख को हर मंथ की 21 तारीख को पेमेंट आउट हो जाता है एडसेंस से, ठीक है। 5 दिन का टाइम रहता है, अगर कोई ओल्ड यूट्यूबर है जो सेकेंड बार फर्स्ट थर्ड बार यूट्यूब से पेमेंट ले रहा है, तो उसकी तो 5 से 5-6 दिन में आ जाती है। लेकिन फर्स्ट टाइम में, जो फर्स्ट टाइम अपना चैनल लिंक आपने अपने बैंक अकाउंट लिंक आपने ऐड किया हुआ है, तो उसमें ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसका समाधान क्या होता है कि आपको कम से कम 21 तारीख को एडसेंस आउट होता है पेमेंट, 21 तारीख को, 20 तारीख को आपको जो भी ऐड करना है बैंक। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे 20 तारीख के पहले पहले आपको अपना लिंक वगैरह ऐड, बैंक लिंक वगैरह जो भी ऐड करना है आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि 21 तारीख के बाद आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अगर 21 तारीख के बाद आप बैंक अकाउंट लिंक वगैरह जो भी वेरिफिकेशन है 21 तारीख के बाद करते हो, तो फिर वही पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ मिलती है, नेक्स्ट मंथ की 21 तारीख को पेमेंट वो आउट होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद 21 तारीख को जब पेमेंट आउट होती है एडसेंड अकाउंट से, तो 5 से 6 दिन, मतलब जो ओल्ड यूट्यूबर है जो सेकेंड बार थर्ड बार पैसा ले रहा है, ठीक है, एडसेंस से, तो उसको 5 दिन के अंदर अंदर ही अपना पैसा जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कभी कभी लेट भी हो जाता है, 30 तारीख तक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन पेमेंट जो है सुरक्षित आपके अकाउंट में पहुंच जाता है, ठीक है। बात आती है नए यूट्यूबर की, जो अपने शिफ्ट कोड डाला हुआ है, अपने बैंक नया बैंक अकाउंट उसमें लिंक किया हुआ है, तो उसको कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है। यानी कि 21 तारीख को पेमेंट आउट हुआ तो आपको 21 तारीख से लेकर 15 तारीख तक वेट करना है, ठीक है। अब 15 तारीख के बीच में, 15 दिन के अंदर बीच में आपको अगर संडे और शनिवार अगर आता है तो उसको आपको नहीं गिनना है, ठीक है। 15 दिन होने के बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट में सुरक्षित पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचता है तो यूट्यूब टीम बोलती है कि आप अपने बैंक जाकर वहां पर चेक कीजिए, वहां पर अपने उनका जो बैंक का मैनेजर है आप वहां पर बताइए, जो वहां पर जो छोटे मोटे जो वहां पर पैसे वैसे जो गिनते रहते हैं उनको आपको नहीं बताना, ना ही उनसे बात करना, क्योंकि वो इस चीज़ को बेवकूफ समझते हैं, मतलब पागल समझ गया बंदा, कोई पागल है यार, वहाँ पर आपको जाना नहीं है। जो बैंक का जो मैनेजर है आपको वहाँ उस मैनेजर से आपको मिलना है, ठीक है। बैंक के मैनेजर से आपको एक रसीद आती है, जब एडसेंस से आपका पैसा जब आउट होता है तो यूट्यूब आपको एक रसीद देती है, अपने एडसेंस से ही रसीद मिलती है। वो रसीद कैसे मिलेगी, कैसे उसको स्क्रीनशॉट करना है, रसीद आती है उसको कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। तो एक्चुअली वो रसीद आपको बैंक को मैनेजर को दिखानी है, तो बैंक मैनेजर उस रसीद को देखने के बाद आपके अकाउंट को चेक करेगा कि कहाँ पैसा अटक गया है, या मेरा तो पता नहीं पैसा कौन ले गया, बीच में से पता ही नहीं चला, लेकिन फिर भी मैं आज साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो, लेकिन फिर भी मैं आज कल जाने वाला हूँ बैंक में, और वो रसीद आपको बैंक मैनेजर को दिखाने वाला हूँ। सो आप भी अगर आपका पैसा इस तरह से फंसा हुआ है तो आप बैंक जाकर वो रसीद दिखाइए उनको, बैंक मैनेजर को, तो आपके बैंक अकाउंट में वो चेक करेगा कि पैसा कहाँ फंसा हुआ है, सुरक्षा आपके पेमेंट जो है बैंक अकाउंट में आ जाएगा, पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, बेफिक्र रहिए इसके इसलिए।
ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और कोई भी गलत शेयर हो तो कमेंट जरूर बताना। चलना है एडसेंड पर, ठीक है, एडसेंड अकाउंट में जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है अपने तीन डॉट पर, मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पर आपको पेमेंट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट क्लिक करें, पेमेंट इन्फो पर आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे आपका पूरा पेमेंट का जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। जो पिछली पेमेंट जो है मेरी $114 जो यहाँ से आउट हुई थी, योर लास्ट पेमेंट मेरी इश्यू May 27 for $114, ठीक है, जो गया हुआ था। आपको यहाँ पर व्यू ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जो आपको रसीद मिलेगी, जो आपका पेमेंट यहाँ से आउट होगा उसकी रसीद आपको यहाँ पर शो होगी, ठीक है। अब मेरा जो पेमेंट शो हुआ था, जो अभी आउट हुआ लेकिन अभी तक अकाउंट में आया नहीं है, उसकी रसीद जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर ऑटोमेटिक पेमेंट जो यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, ठीक है, या $117 बना था लेकिन $3 जो है उसका जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ था उसका माइनस कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ये लिंक दिया हुआ है, आपने ऑटोमेटिकली पेमेंट जो लिखा हुआ है आपका बैंक जो ऐड है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर कुछ आपकी जो रसीद है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये रसीद है आपकी, ठीक है। अब ये रसीद है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर ये यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर कहाँ से पेमेंट शो हुआ है, उसका कोड नंबर पिन नंबर दिया हुआ है, और ये नंबर देने के बाद आपको ये डिटेल्स दी हुई है कितना पेमेंट, कितने देर को पेमेंट आउट हुआ था, और अकाउंट नंबर्स और पेमेंट नंबर। जो पेमेंट नंबर एक बहुत काम की पेमेंट नंबर है, यही इसी से आपको पेमेंट पता चलता है, इंटरनेशनल पेमेंट पता चलता है, ठीक है। तो ये रसीद है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और बैंक मैनेजर को आपको दिखा देना है, ठीक है। वो आपके पूरे बैंक को चेक कर लेगा और इसी बैंक पेमेंट नंबर से आपका पेमेंट जो है वो निकलाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।